बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू रिसर्च पीडिया चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि एक मेजरमेंट मॉडल क्या होता है, मेजरमेंट मॉडल कैसे कंप्यूट करते हैं, एक स्ट्रक्चरल मॉडल क्या होता है, इनर और आउटर मॉडल क्या होता है, इनका फ़र्क आपको सिखाया जाएगा। अपनी इस प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके सामने वेरिएबल को कंप्यूट करने का ज़ीरो लेवल पे मेथड क्या है, किस तरह से आप एक लेटेंट वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मुख्तलिफ फैक्टर्स की मदद से कंप्यूट करते हैं, कैसे उनका रिलेशनशिप जो डायग्राम है वो डेवलप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें कंसेप्चुअली अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी हैं। ये जो पार्ट आपको लेटेंट वेरिएबल वाला पार्ट नज़र आ रहा है, जिसमें एक लेटेंट वेरिएबल दूसरे लेटेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है, द फर्स्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड इज़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाइल द सेकंड ऑन द राइट हैंड साइड इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम सिर्फ इस कंस्ट्रक्ट के एरिया को देखें, जिसमें एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है और बीटा की वैल्यू 0.854 आ रही है, तो इस हिस्से को हम इनर मॉडल कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड द इनर मॉडल, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पाथ को, ये जो एक एरो शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग से लॉन्ग ट्रेनिंग ड्यूरेशन की तरफ एक एरो आ रही है, अगर मैं इसको इग्नोर कर दूं, लेट्स सपोज के मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, दिस इज़ डिलीटेड, तो अब आपको क्या नज़र आ रहा है, अब आपको लेफ़्ट साइड पे शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग और उसके फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं और राइट साइड पे लॉन्ग ट्रेनिंग ड्यूरेशन और उसके फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो जब फैक्टर और उसका कंस्ट्रक्ट इसको हम मिलाएं, तो इसको हम आउटर मॉडल कहते हैं, दिस इज़ आउटर मॉडल ऑन द राइट साइड एंड दिस इज़ द आउटर मॉडल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। लेकिन जब हम इनको कनेक्ट करते हैं, तो इस वेरिएबल से इस वेरिएबल तक का जो पार्ट है ना, इसको हम इनर मॉडल कहते हैं, यानी इनर मॉडल में सिर्फ कंस्ट्रक्ट्स और उनके दरमियान जो एरो है वो शो हो रही होती है। इसको मज़ीद अंडरस्टैंड करने के लिए ही आपके सामने एक बुक में से मैंने पेज शो किया है, तो यहाँ पे भी ये बता रहा है कि जो सिर्फ लेटेंट वेरिएबल का एरिया है, ठीक है, इसको हम इनर मॉडल कहते हैं, ठीक है, इनर मॉडल, या इसको स्ट्रक्चरल मॉडल भी कहा जाता है, ठीक है। और अगर हम सिर्फ लेटेंट वेरिएबल और उसके फैक्टर्स का एरिया ले लें, तो इसको हम आउटर मॉडल या दूसरे लफ्ज़ों में मेजरमेंट मॉडल भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस एरिया इज़ कॉल्ड द इनर मॉडल और स्ट्रक्चरल मॉडल, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर बता रहा है कि यहाँ से इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको इग्नोर करें और सिर्फ कंस्ट्रक्ट या लेटेंट वेरिएबल और उसके फैक्टर्स ले लें, तो इसको हम मेजरमेंट मॉडल भी कहते हैं। तो जब आप मेजरमेंट मॉडल को रेफ़र कर रहे होते हैं, तो सिर्फ आप उनके फैक्टर्स की वैल्यूज़ को देखते हैं, जबकि जैसे ये मैंने अभी रन किया था PLS एल्गोरिथम, जब हम इसको रन करते हैं तो ये देखिएगा आपके सामने ये आउटर मॉडल या मेजरमेंट मॉडल की वैल्यूज़ आ रही हैं आपके सामने, ठीक है, ये भी आउटर मॉडल या मेजरमेंट मॉडल की वैल्यूज़ हैं, जबकि ये जो आपको 0.854 पाथ कोफिशिएंट नज़र आ रहा है और आर स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये इनर मॉडल या स्ट्रक्चरल मॉडल को शो कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी, आपको ये भी फ़र्क समझ आ गया होगा कि मेजरमेंट मॉडल और स्ट्रक्चरल मॉडल में क्या फ़र्क है। थोड़ा सा यहाँ से भी मैं बुक से भी रेफ़र कर दूँ कि बेसिकली जो आपका PLS पाथ मॉडल होता है, उसके दो एलिमेंट होते हैं, पहले को हम स्ट्रक्चरल मॉडल कहते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था कि दिस एरिया इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल मॉडल और द पाथ मॉडल, ठीक है, इसको हम इनर मॉडल भी कहते हैं, ये एरिया, ठीक है, दिस इज़ स्ट्रक्चरल मॉडल, इसको इनर मॉडल भी कहा जाता है। और दूसरा कंपोनेंट जो होता है उसको मेजरमेंट मॉडल या आउटर मॉडल कहा जाता है, जिसमें ये वाला पार्ट, ठीक है, अगर हम इस हिस्से को इग्नोर कर दें, तो ये जो वेरिएबल है ये इन फैक्टर्स की मदद से कंप्यूट हुआ है, तो ये वाला पार्ट जो है दिस इज़ कॉल्ड द मेजरमेंट मॉडल, और इधर से ये वाला पार्ट जो है
यानी इसके फैक्टर और कंस्ट्रक्ट्स मिलाकर ये मेजरमेंट मॉडल है, तो इसको आउटर मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आ गया होगा। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कंसिड्रेशन मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली एरर टर्म जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल में बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती है, मतलब यहाँ पे एरर टर्म ऑलरेडी मौजूद है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। जब आप एक एरो को एक लेटेंट वेरिएबल से निकाल के दूसरे लेटेंट वेरिएबल की तरफ उसका रुख करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे लेटेंट वेरिएबल को डिपेंडेंट वेरिएबल बना लेती है। तो एरर टर्म हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होगी, मींस यहाँ पे 73% तक तकरीबन जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन ट्रेनिंग लॉन्ग ड्यूरेशन ट्रेनिंग को एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 27% तक की इसमें एरर टर्म मौजूद है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। मज़ीद कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो आप मेरी नेक्स्ट वीडियोस को देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।